ये आप देखो, अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, तो अगर मैंने इसको ऑन किया है और अब देखते हैं कि अभी होता है नहीं, तो फिर लगा, देखो हो गया। तो भाई मेरा नाम देवेंद्र अग्रवाल है। देखो आप, मेरे पास एक सेट है सैमसंग का और इसके अंदर एक बैटरी टेम्परेचर का एरर है। हम इस सर्किट को बनाएंगे, ये सर्किट को बना तो सभी लोग रहे, पर हम इसको समझेंगे ताकि आप कभी भविष्य में इस तरह के सर्किट आए तो उसका रेफरेंस से आप सारे सर्किट बना रहे। मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है वीडियो में कि आपको एक मोबाइल की रिपेयरिंग करके ना दिखाऊँ, आपको उसका सर्किट से वास्ता पड़े, आपको सर्किट का नॉलेज हो ताकि आप उसको समझ के दूसरे सेट को बना सकें। और सबसे पहले इसका टेम्परेचर देखते हैं कि बेसिकली टेम्परेचर किस तरीके से हमें मिल रहा है। नोटिस कीजिएगा, तो चार्जर अनिल, चार्जर दो, जरा सी टाइप लगाओ, वाइट वाली केबल। तो हम बैटरी लगा लेते हैं और ठीक है। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा टेम्परेचर एरर है। क्या है जल्दी बताइए। हाँ, इसका मतलब है कि सीपीयू कहीं ना कहीं किसी ना किसी थर्मिस्टर की लाइन जो है तो वो मिस कर रहा है। आप क्या क्या मिस कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिन ही पढ़ाया था, थर्मिस्टर में कभी भी हम तीन चीजें चेक करेंगे। बोलो, पहला वोल्टेज, सर्किट, तीसरा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर खुद खराब हो सकता है, हेलो, कि भाई निकल ही गया हो ये है करके, या वोल्टेज आना बंद हो गया हो, या प्रॉपर डिवाइडर बंद नहीं रहा हो, हेलो, क्योंकि R1 R2 दोनों की वैल्यू मैच होनी चाहिए बराबर, और तीसरा कि वो सीपीयू तक पहुंचना चाहिए, हेलो, कि बंद तो हो रहा है पर सीपीयू तक जा नहीं रहा है। तो ये हम इसको थोड़ा सा फाइंड आउट करेंगे। दूसरी बात, मुझे बताइए कि क्या मैं इस टेम्परेचर की सर्किट में क्या मुझे बैटरी कनेक्टर पे काम करना है क्या? नहीं सर। ये सबका क्लियर है? यस सर। जबकि इसमें जिस भी फोन के अंदर NTC नहीं होता है या बैटरी के अंदर, उस फोन में NTC कहाँ होता है? जिसके अंदर ID नहीं होता है उस फोन के अंदर कहाँ होता है? ये किस किस को क्लियर है जल्दी बताओ। सुबह से पढ़ा रहा हूँ बहुत जबरदस्त। प्लस सैमसंग में एक एडिशनल सर्किट होता है ADC, वो भी कौन कौन ढूंढ लेगा जल्दी बताओ। मैंने आपको वो भी बहुत सारे अलग अलग मोबाइल में बताया है, कितने ओम्स के रजिस्टर हैं वो भी बताए हैं। तो सारे डिवाइडर से बनते हैं, किससे बनते हैं? तो अपन सबसे पहले आओ इसका थोड़ा सर्किट जानेंगे कि ये बनता कैसे है, फिर अपन इस बोर्ड पे आके काम करेंगे। आओ वहां पर, तो पहले तो अपन विदाउट स्कीमेटिक डायग्राम काम करेंगे कि एक किस तरह का ये सर्किट बन रहा है और हो रहा है। देखो सैमसंग के अंदर बहुत सारे थर्मिस्टर लगे होते हैं, एक वाईफाई के अंदर होता है एक थर्मिस्टर आपका, एक नेटवर्क के अंदर लगा होता है, एक चार्जिंग के अंदर लगा होता है, एक थर्मिस्टर आपका CPU के पास लगा होता है और एक सब बोर्ड में। तो ये जो टेम्परेचर एरर हमेशा आता है, ये हमेशा मेन थर्मिस्टर, बैड थर्मिस्टर, मतलब जो सब बोर्ड वाला होता है, क्योंकि बाकी थर्मिस्टर से जो फॉल्ट आते हैं वो रीस्टार्ट के आते हैं। किसके आते हैं? हेलो, ऐसा नहीं है उन जैसे सैमसंग के हमने कितने ऐसे सेट हैं जो बहुत लेटेस्ट होंगे, अगर हम उनकी बात करें तो उसका वाईफाई के पास से थर्मिस्टर वो वाटर डैमेज हो जाता है, तो थर्मिस्टर में थोड़ा क्लीन करो और थर्मिस्टर चेंज करो तो आपका एरर खत्म हो जाता है, तो वो भी हमने निकाले हैं, तो वहां से भी आता है। पर ज्यादातर जो प्रॉब्लम ये आती है ये सब बोर्ड की वजह से आती है। अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि अभी हम सैमसंग के अंदर बात कर रहे हैं और हमें लॉजिक समझना है और
और उसके हिसाब से काम करना है। ये हमारा सीपीयू है, ये हमारा सब बोर्ड है, ये हमारा सब बोर्ड है। अब इसके अंदर ये हमारा एक बी2बी कनेक्टर है और एक बी2बी कनेक्टर यहाँ है हमारा। तो किस तरह की लाइनिंग होगी समझेगा। बेसिकली सीपीयू के अंदर एक पैट एक सेंस की लाइन है जिसे हम बोलेंगे, इसको हम कहते हैं बैट अंडरस्कोर थरम। बोलो हाँ, या तो हम बोलेंगे मेन थरम। क्या बोलेंगे? हाँ, और ये हमारा एपी जिसको हम बोलते हैं सीपीयू के अंदर एप्लीकेशन प्रोसेसर सैमसंग का, और इसमें लगा हुआ है जाइनॉक्स। क्या लगा हुआ है? तो ये लगा हुआ है जाइनॉक्स, तो एक्सीनॉक्स भी बोल सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? अब इस लाइन को सीधा इन्होंने कनेक्टर पर डाला है और ये हो गया बी2बी। बोलो B2B. और ऊपर इधर है तो नीचे इधर होगा। तो ज्यादातर सेटों में R1 ऊपर लगा देते हैं, R2 नीचे लगाते हैं। ये चाइना फोनों में होता है, वीवो के अंदर, जहां पर बैटरी के अंदर ID नहीं होती है, टेम्परेचर नहीं होता है। बट सैमसंग के अंदर ऐसा नहीं, सैमसंग के अंदर R1 R2 हमेशा चप्पल जैसे लगे होते हैं, एक ही जगह एक ही साथ। तो वो हमेशा आपको किधर देखने को मिलेगा? सब बोर्ड में। अब ध्यान देना, बहुत सारे फोनों में ये फॉल्ट नॉर्मल टेक्नीशियन को आ जाता है सिर्फ सब कॉपी बोर्ड बदलने से, मतलब कॉपी सीसी लगाने से। हेलो, जब आप ये कॉपी लगाओगे किसी सैमसंग में तो आप देखोगे कि उस फोन में इतने कंपोनेंट नहीं लगे जितने कंपोनेंट आपके ओरिजिनल में लगे थे। तो वहाँ दो कंपोनेंट मिसिंग होते हैं, एक कैपेसिटर और एक डायोड, और वही कंपोनेंट उसके और सर्किट को भी सही तरीके से नहीं, बाय डिफॉल्ट सर्किट बनता है। तो अगर आप कॉपी, सबसे पहले मेरे भाई अगर तुम कुछ नहीं जानते तो सब बोर्ड चेंज कर दो, हेलो, और ओरिजिनल सब बोर्ड लगाओ, या एक 100% कॉपी जो होता है जो थोड़ा महंगा होगा वो लगाओ। पहला सलूशन आपका है चेंज योर सब बोर्ड। बोलो, बट मैं तो सर उसी को बनाऊंगा, मैं तो कॉपी सब बोर्ड के अंदर ही बनाऊंगा। तो फिर अपना ही पूरा डिवाइडर बिठाना पड़ेगा। हेलो, अब देखो, तो आपको एक रजिस्टर ढूंढना है, एक थर्मिस्टर होता है वो होगा पैलर, एक उसके साथ कैपेसिटर होगा इस तरीके से फिल्ट्रेशन के लिए, और एक रजिस्टर होगा इस तरीके से। इस तरीके से, और इस रजिस्टर को एक जगह से पुल अप मिलेगा। तो कितना वोल्टेज जल्दी बताओ? VIO 1.8। ये सीपीयू के अंदर भी जाता है और पावर से भी आता है, कहने का मतलब यहाँ पर। तो अब हमने जैसे ही चार्जर लगाया तो 1.8 जनरेट होगा, जो कि हमारे R1 से होते हुए ये एक हमारा डिवाइडर सर्किट बन गया, जो कि बन गया R1 और R2 और R1 और R2 यू। अब हमें समझना ये है कि हमें यहाँ वोल्टेज कितना सेंस कराना है। बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ वोल्टेज कितना चाहिए। कोई बोलता है 0.9, कोई वीडियो में बोलता है 0.4, कोई बोलता है 0.5 फलाना, कोई दिखाना। तो हम कंफ्यूजन आज दूर करेंगे, ये वर्ल्ड फर्स्ट वीडियो रहेगा। हेलो, ये YouTube में पहला वीडियो है जिधर हम कंफ्यूजन पूरा ख़त्म कर देंगे, कि हम आपको बताएंगे कि आपने से भी ट्रिक यूज़ करनी है और आप अपना वोल्टेज खुद बता सकते हो कि कितना से कितना हमें चाहिए और उसके हिसाब से अपना डिवाइडर लगा सकते हो। यहाँ जरूरी, क्योंकि अगर हम थर्मिस्टर कहीं से भी उठा के लगा दें पर R1 की वैल्यू कहाँ से लगाएंगे, क्योंकि R1 की वैल्यू तो हमें मैच करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी रजिस्टर लगाने से यहाँ सही वोल्टेज बनेगा और टेम्परेचर अपना बनाए रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन पर थर्मिस्टर की लाइन पे जब वोल्टेज बनेगा तो ये वोल्टेज इधर जाकर इस सीपीयू को सेंस करेगा। तो ये ले दे के वोल्टेज सेंस सप्लाई है, वोल्टेज सेंस सप्लाई,
दिस इज ओनली अ सर्किट ऑफ वोल्टेज सेंस सर्किट जो एक रेगुलेट हो रहा है एक डिवाइडर सर्किट से, समझ रहे हो मेरी बात? दिस इज कंट्रोल्ड बाय डिवाइडर सर्किट, एक तरह से कि चार्जर लगाओ और डिवाइडर बना दो। तो अपन क्या करें, सबसे पहले अपन अगर वो वहां उठाए और सीधे A50 का सब बोर्ड चेंज कर दें तो कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। अपन अगर सब बोर्ड A50 के सब बोर्ड से तीनों रजिस्टर उठा के बदल दें कोई बड़ा काम नहीं। अगर अपन कहीं से भी उठा के रजिस्टर लगा दें और टुक्के में हो जाए कोई बड़ा काम नहीं। हमको करना है एकदम 100% लॉजिकल वर्क कि हम अगर वो रजिस्टर ना मिले तो हम कौन सा रजिस्टर लगाएं कौन सा नहीं। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम सीधे इस थर्मिस्टर पे एक जम्पर मारेंगे जो कि कनेक्ट होगा। सबसे पहले तो हम थर्मिस्टर पे जीआर देखेंगे, थर्मिस्टर का जीआर, क्योंकि ये थर्मिस्टर का जीआर डायरेक्ट कनेक्टेड किससे है जल्दी बताइए, सीपीयू से। तो ये पहला नंबर पे, ऑलवेज रिमेम्बर थर्मिस्टर पे हमेशा क्या देखना है, जीआर। और ये जीआर किसका मिल जाएगा, तो एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि सीपीयू का ट्रैक है कि नहीं। तो देख इसने देख देना किसको है, सीपीयू को, हवा में तो ना कि वहां आ गया तो ओके। दूसरा, फिर उसके बाद हमें इस थर्मिस्टर पर वोल्टेज चाहिए, क्या चाहिए, वोल्टेज। और वही वोल्टेज उसी के बाद हमारा सर्किट ओके होगा क्योंकि वोल्टेज तो डिवाइडर से ही बनना है। तो हम क्या करते हैं, हम इस रजिस्टर से एक जम्पर लेते हैं और डीसी मशीन को डालते हैं और डीसी मशीन में वो रेगुलेट करके देखते हैं कि कितने वोल्टेज पे वो बनता है और कितने पे बनता नहीं है। आओ दिखाता हूं चलो कैसे करना है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, मुझे बताइए बैटरी कनेक्टर का सर्किट किस किस को समझ में आया आज? और आज मैंने आपको उन सेटों का जिसका डायग्राम नहीं है उनका भी कैसे सर्किट पढ़ना है क्लियर किया कि नहीं किया? मुझे बता पोको S3 प्रो का सर्किट का पूरा डायग्राम कौन कौन निकाल सकता है जल्दी बताइए। हाँ जी देखो जरा डीसी मशीन दिखाओ जरा अनिल। अब तो हमें करना क्या है, नोटिस करो यहाँ पर तीनों कंपोनेंट लगे, ये हमारा थर्मिस्टर है, ये हमारा थर्मिस्टर है, ये हमारा R1 है और ये हमारा कैपेसिटर है। सब कुछ लगा हुआ है, कोई सीन नहीं है। हम सबसे पहले इस पर जीआर चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, जीआर। देखो जीआर पे डालो, जीआर चेक करना है, B2B कनेक्टर लगाना है खाली क्योंकि वो सीपीयू से जुड़ जाएगा और बैटरी हटानी है और इस थर्मिस्टर पर जीआर चेक करना है। इसका जीआर क्योंकि ये डायरेक्ट जा रहा है सीपीयू से तो इसलिए इसका जीआर आएगा 300 से 800। बोलो 300 से 800। अगर इसके बीच में कोई 1K का रजिस्टर होता सीपीयू और इसके बीच में कोई सेंस तब ये हो जाता 1500 2000। तो अभी अपन देखेंगे तो इसका जीआर देखेंगे नहीं, ठीक है इसका बैटरी नहीं लगी। इसका जीआर कितना आ रहा है जल्दी बताइए, 700। ये 700 क्या बता रहा है, बोलो बोलो सीपीयू की लाइन ठीक है, फिर से बोलो सीपीयू की लाइन ठीक है। इतना समझ में आया सबको, थर्मिस्टर का जीआर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि थर्मिस्टर डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ा है। यही अगर चाइना बोर्ड होता, जैसे अगर मान लो ये मैं वीवो कर रहा होता या मान लो साउमी कर रहा होता, रेडमी 8A होता, तो ये जुड़ता पावर आईसी से, किससे जुड़ता, पावर से। अब अपन क्या करेंगे, यहां से जम्पर उठाएंगे अनिल, पत्रा है निकला होगा जम्पर वाला, पेस्ट लाओ भाई। इसके साथ एक प्लस भी निकला है कि नहीं निकला है, ऐसे ही निकालो। देखिए हमने यहां से एक जम्पर मार रहे हैं,
अब हमें मल्टी इसका दो, एक माइनस दो निकाल के, एक प्लस दो प्लस प्लस। अब हमने क्या किया, अब हमने अपने डीसी का एक प्लस ले लिया, और डीसी का प्लस लेने से पहले डीसी को दिखाओ, डीसी मशीन को हमने पहले सेट किया, तो ऐसा हो जाता थोड़ा सा। आप देखो हमने डीसी को रखा, पहले हमने वोल्टेज को कम किया, और ये वोल्टेज रखा हमने, मान लेते हैं हमने रखा 1.1, कितना रखा जल्दी बताओ, 1.1 रखा हमने, ये 1.1, और एम्पियर को हमने 2 से रख दिया खाली, अगर हम बात करेंगे 300 मिली एम्पियर, कितना रखा है जल्दी बताओ। हाँ, ज़्यादा लोड भी देंगे तो तार जल जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, निकल जाएगा। तो ये हमने एक 1.1 वोल्टेज डायरेक्ट थर्मिस्टर को देते हैं, अगर इसमें हमारा टेम्परेचर चला गया तो हमें 1.1 का डिवाइडर लगाना है। जी सर, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा। फिर उसके बाद हम वोल्टेज को कम करते हुए चलेंगे, हेलो, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें किसका लगाना है किसका नहीं है, क्योंकि हमें R2 की वैल्यू नहीं पता ना भाई, हेलो, R1 की वैल्यू नहीं पता, R2 की वैल्यू नहीं पता, हमको ये नहीं पता कि वो सर्किट डायग्राम है नहीं इसका, और A50 का तो रजिस्टर की वैल्यू भी नहीं लिखी है वहां पर, तो बग्स है वहां। तो अपन ने क्या किया, सही है, तो हमने ये लगा लिया। अब हमें माइनस चाहिए, माइनस देना, और माइनस को हम खाली क्या करेंगे, इसके साथ इसमें लगा लेंगे, माइनस को हम लगा लेंगे। देखो अभी हमने क्या किया, मैं सब बताऊंगा क्या किया, पहले मैं कर लूँ, मैंने अभी थर्मिस्टर को ये दे दिया, माइनस को हम इसके साथ लगा लेंगे। वो देना ट्विजर, तो ये हमने ये लगा लिया, माइनस को यहाँ लगा लिया, और हमने अभी इसको बंद कर दिया, ठीक है, अभी आउटपुट नहीं करेंगे। इसको थोड़ा ऐसा 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 कर दे, ठीक है, डन। देखो सब लोग, अनिल थोड़ा कैमरा वैमरा थोड़ा जाके देखे, और तुम जरा चार्जर दो जरा। अब हमने अब हम इसमें चार्जर लगाएंगे और अपने टेम्परेचर एरर को आने देंगे। जी सर, देखो भाई, आ गया। यस सर। अब लो ऐसा पकड़ो, आओ ऊपर से और नीचे से दोनों से, हाँ उसका सब बोर्ड। अब देखो, अब मैं इसका एम्पियर कम करते जाऊंगा, क्योंकि अभी 1.1 में तो ये टेम्परेचर एरर नहीं जाए। अब नहीं, अभी तो हमने ऑन ही नहीं किया, अब हम ऑन करेंगे, ये हमने ऑन कर दिया, बट अभी भी हमारा टेम्परेचर वही का वही है, और अभी हम एक बार उसको निकाल के और लगा लेते हैं, ठीक है, हम इसको निकालेंगे, अब वापस लगाएंगे। देखो देखो ये आया, क्योंकि इसने कितना वोल्टेज सेंस कर लिया, 1.1, तो 1.1 हम समझ रहे कि 1.1 से ये थर्मिस्टर सेंस कर रहा है, हेलो। अब हम यहाँ देखो, अब हम इसको और देखते हैं, तो हमारे पर हम R1 की वैल्यू निकालते हैं, R1 की जो हमारे को इनपुट वैल्यू आ रही है, बोलो इनपुट वैल्यू
वोल्टेज की वो 1.8 है, तो हम मान लेते हैं अगर हमने दोनों रजिस्टर 100K के लगाए तो हमें आउटपुट मिलेगा 0.9। तो हम इसको 0.9 में चलाएंगे, किसमें? 0.9 में। देखो तो अब हम निकालो चार्जर, अब हम इसको पहले 0.9 में करेंगे और अगर ये 0.9 में चल गया तो हम अपने R1 और R2 की वैल्यू हमेशा किस में रखेंगे? 100K। तो ये हमारे लिए एक आसान है। अब हमें नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई रजिस्टर की वैल्यू देखनी नहीं। देखो तो लगाओ चार्जर, पहले एक टेम्परेचर आने दो, टेम्परेचर आने दो इस बार। देखो सामने बताओ, टेम्परेचर आने दो, अभी मैंने ना ऑन नहीं किया है। ये आप देखो, अब मैं इसको ऑन कर रहा हूं। तो अगर मैंने इसको ऑन किया है और अब देखते हैं कि अभी होता है नहीं, तो फिर लगा, देखो हो गया। अभी इसलिए हुआ है क्योंकि अभी ये दे रहे, अभी ये बंद कर देंगे, देखो फिर से देने लगेगा। निकाल के लगाओ, आ गया। देखो आ गया सर, ऑलरेडी आ गया जी। तो मतलब उसको वोल्टेज की जरूरत है। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ थर्मिस्टर लगे होने से कुछ नहीं, या थर्मिस्टर निकाल देने से कुछ नहीं है। जो लोग थर्मिस्टर निकाल रहे हैं वो अपने फोन को वापस लेने के लिए तैयार रहे। हेलो, थर्मिस्टर को निकालना नहीं है। हेलो, अब इसका छोड़ो, अब इसका सर्किट अपन समझ गए कि अपन को 100K रख सकते हैं। अपन ने बिना डायग्राम के दिया, ये डायग्राम में देख भी लेते हो और अगर सेम वैल्यू का निकाल के लगाते तो कोई रिपेयरिंग बहुत बड़ी लेवल पे रिपेयरिंग नहीं होती। मान लेते हैं कि हाँ हमने डायग्राम पढ़ना सीख लिया, हमने कॉम्प्रेट निकाले लगाए। अब हम इसको नॉर्मली तरीके से देखते हैं। अब देखो ध्यान दो, अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि अपने को R1 पे कोई वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या R1 पे कोई वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो नोटिस करो, वोल्टेज पे डालो उसको जरा। ये ऊपर 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 ही। अब देखो अपन ने चार्जर लगाया और अपन इस रजिस्टर के इधर देखेंगे, 1.8 वोल्टेज बनना चाहिए क्योंकि R1 है। उसके बाद देखो 1.8 बन रहा है, बट यहाँ पर हमको 1.5 मिल रहा है, इसलिए हमारा ये गेम सक्सेस नहीं है ना। हमें इसको 1.1 करना है या 0.9। हम इसको 0.6 तक कर सकते हैं, 0.6 तक कर सकते हैं। अब हम इसलिए अब हम क्या करेंगे, थर्मिस्टर का और दोनों का वैल्यू चेक कर लेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो ज्यादातर फॉल्ट R1 में निकलता है। किस में निकलता है जल्दी बताओ? हाँ, थर्मिस्टर नहीं चेंज करना है। थर्मिस्टर देखो मैं अभी वीडियो में बीप कर दूंगा, समझो मैं ये नहीं बता। थर्मिस्टर अगर 30K से ऊपर है, क्योंकि 30K के ऊपर मतलब 40 आया तो 0.6 आ जाएगा, 50K का लगाया तो 0.7 आ जाएगा, 70K का लगाया तो 0.8 आ जाएगा। तो ले देखे वो उसी के अंदर जाता है, राइट? पर R1 अगर ऊपर नीचे हो गया तो वो सीधा 1 के ऊपर चला जाता है। किसके ऊपर चला जाता है? समझो, देखो तो अभी अपन रजिस्टर की वैल्यू देखते हैं। मल्टीमीटर को ओम्स में डालो। तो सबसे पहले अपन इस थर्मिस्टर की वैल्यू देख ले क्या। हेलो, कितने के ऊपर होना चाहिए? तो एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 5.6 मेगा है। बहुत ज्यादा है ना यहाँ पर। ठीक है, ये भी हम इसको भी हम वो समझते हैं। और ये हमारी R1 बोलो 100K से ज्यादा होनी नहीं चाहिए, तो ये हमारा 9K है, मतलब इसका वैल्यू भी कम है। हेलो, तो पहले हम R1 चेंज कर लेते हैं, फिर नहीं हुआ तो फिर हम ये भी चेंज कर देंगे। बराबर है? यहाँ पर एक बार R1 चेंज करेंगे क्या? जल्दी बताओ।
चेंज करने पर हमें वोल्टेज, हमें तो पता है कि क्योंकि सीपीयू तक लाइन तो चेक करी ली है, क्योंकि सबसे पहले हमने चेक किया था टीएच का जीआर, और टीएच का जीआर बता रहा था कि सीपीयू का ट्रैक बना है, हेलो, और हमने उसी पे वोल्टेज डाल के सीपीयू को ही सेंस करवाया था। तो अपन इसका R1 का वैल्यू निकालते हैं और चेंज करते हैं। तो इसको बंद कर दो, अरे इसको बस ये कर दो, ये मतलब या तो ये ना बटन इसमें, अब हम एक 100K का रजिस्टर ढूंढेंगे। कितने के का रजिस्टर ढूंढेंगे? ठीक है, तो रजिस्टर कैसे ढूंढ रहे हैं 100K का, ये भी देख लो थोड़ा सा। देखो, या तो हम ऐसा ऐसा करके ढूंढते जाएं, या तो हम स्मार्ट तरीका यूज करें और एक बार में मिल जाए, तो वो तरीका भी देखो कैसा ढूंढना है। माउस देखो, अभी हम इस बोर्ड के अंदर 100K का रजिस्टर निकालेंगे, तो हम इसका डायग्राम खोलेंगे। हमें वन टाइम में ढूंढना है, हम नहीं चाहते कि हम 10-15 रजिस्टर चेक कर लें उस टाइम में। तो हमने, और एक दो बार लोकेशन मिल जाती है तो सेम टाइप के बोर्ड में हम हमेशा निकाल सकते हैं, मतलब ऐसे बोर्डों के हमारे पास स्क्रैप हमेशा रहते हैं, तो हमें लोकेशन पता चल जाती है और ये हमारा एक वो बन जाता है एक्सपीरियंस कि यार कहाँ से ढूंढना है कहाँ से नहीं ढूंढना है। एक सफल टेक्नीशियन तब सफल बनता है जब अपने टाइम को कम करके वोल्ट अपना रिपेयर करे साइड को, है ना। हाँ, पूरा दिन भर रिपेयर कर रहे हो, मतलब समझो आप अभी सीख रहे हो, और सही बात, वो भी करना चाहिए, तभी तो होगा। 2-4 महीने के अंदर नहीं बापू बन जाते, बापू बनना के लिए 2-4 महीने पूरे देने पड़ेंगे, आधे नहीं देने पड़ेंगे। यस सर, कि 2 घंटे तुम बैठ रहे हो खाली, 3 घंटा घूम रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, बापू पूरे से बनना है। तो हमने यहाँ पर स्कीमेटिक खोला, अब हमको सिर्फ 100K का रजिस्टर ढूंढना है, तो हम सिर्फ यहाँ पे 100K लिख के सच मारेंगे, तो ऑब्वियस है कि हमको 100K का रजिस्टर मिलेगा। हमें सिर्फ 100K लिखना है, एंटर मारेंगे, तो हम यहाँ पर जूम मारेंगे, तो ये देखो ये एक 100K का रजिस्टर आ गया हमारे को। अब ये रजिस्टर की लोकेशन देख लेंगे, तो ये लोकेशन किधर है, ये हमारे लोकेशन में ये आ गया, ये 702। अब ध्यान दो, इस रजिस्टर की वैल्यू बोलो 90K से ऊपर होनी चाहिए, तो ये हम बिल्कुल सही मानेंगे, बात समझ रहे हो, क्योंकि बोर्ड में लगा हुआ है इसलिए हो सकता है ऊपर नीचे हो। तो ये 55K आ रहा है यहाँ पर, 35K 55K, क्योंकि क्या होता है ना, बोर्ड में लगा होता है ना, तो कभी भी ये पूरा नहीं देते हैं। तो एक बार निकाल के चेक कर लेके इसको जल्दी से, हाँ, फिर अपन दूसरे तीसरे पे जाते हैं, तो ये भी समझ में आएगा कि क्या सर ये क्या है, ये कैसा है। ओके
चलो देखो, लो लगाओ, लो किस किस को समझ में आया? बहुत सही तरीके से। अभी इस सर्किट में कभी ऐसा तो नहीं होगा कि ये सर्किट के लिए डायग्राम को भी ढूंढने की जरूरत है? हेलो थर्मिस्टर बिना 5 मिनट के अंदर कौन कौन निकाल सकता है पूरी बॉडी से? जी तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान जी, मुझे बताइए आज क्या क्लास हुई और आपने क्या किए थे? आज क्लास हुई हमारी CPU की क्लास रही और आज बहुत ज़बरदस्त क्लास रही अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सभी एशिया टेलीकॉम के व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज की क्लास इतनी ज़बरदस्त इतनी बेहतरीन रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। आज की क्लास में CPU हमने रिवॉल्व किया, रिमाउंट किया CPU, सबका सक्सेसफुल CPU हुआ अल्हम्दुलिल्लाह और उस पर काम चल लिया। मेरा हाथ में ये फ़ोन भी देख रहा हूँ आप, मैंने इसी फ़ोन का CPU करा था। ये फ़ोन मेरे हाथ में, मैं दिखाऊँ आपको लाइव, आप देख रहे हो तो शायद आप देख सकते हो, देखो मैंने ये पावर बैंक लगाया है, ये देख रहे होंगे आप, MI इस पर लिख के आ रहा है। आज इस फ़ोन पर काम किया, बहुत बेहतरीन नॉलेज मिला, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो कहना चाहता हूँ भाई देखो, इज़ द बेस्ट एशिया टेलीकॉम, बाकी खल्ली वल्ली सब बेहतरीन जो है, तुम्हें नॉलेज जो मिलने वाली है, तुम्हें बेहतरीन नॉलेज जो मिलने वाली है बस ये समझ लो एशिया टेलीकॉम से मिलेगी। बाकी भाई कहीं भी जाओ कोई मतलब नहीं बनता, खामोखा टाइम वेस्ट करना है और वक्त की भाई कदर करना सीखो, वह टाइम की कदर करो और जल्दी से ज्वाइन करो और अपना बिजनेस करो भाई, कार टेक्नीशियन बन जाओ बेहतरीन। और मेरी तरफ से भाई पूरा सपोर्ट है, आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू MD सर, थैंक यू देव सर, जज़ाकल्ला। जी तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसहाक अली है और आज हमारा CPU माउंट रिमाउंट का क्लास था और हमने ये CPU जो किया हुआ है देख सकते हैं हमने ये कर दिया है और ये लाइव बोर्ड है, 4G सेट है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। हालांकि मैं इसे एक बार किया हूँ, दूसरी बार कर ही रहा था, प्रोसेस में था जी, एक बार कर चुके, दूसरी बार कर रहे थे। जी जी अभी देखिए, ये देख सकते हैं इनका फ़ोन है, मुझे बताइए ऑन फोन से ही किए थे? जी ऑन फोन से ही, लाइव फोन से हमने किया है। आपने कभी एशिया टेलीकॉम आने से पहले कभी IC लेवल का काम किए गए? नहीं नहीं कभी नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और MD सर ने जो हमें बताया, जो ट्रिक सिखाया, उससे हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन ये है क्लियरिटी बहुत ज्यादा सही है। जो ट्रिक है वो कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, थैंक यू देव सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम हमें इतना अच्छा ट्रिक बताने के लिए। ठीक है, थैंक यू जी। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, इनसे पूछते हैं कि भाई इन्होंने क्या किए आज और क्या क्लास चल रही थी, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज शर्मा है। नीरज जी आज क्या क्लास हुई आपकी? आज CPU की क्लास थी, CPU रिवॉल्विंग की क्लास थी, लाइव फोन से मैंने किए हैं क्या? हाँ हाँ मैंने किया है, कई पुराने फ़ोनों पर मैंने ट्राई किया है, उसके बाद से लाइव चालू फ़ोन से मुझे मिला है जी, और मैंने CPU रिवॉल्व करके लगाया है और देखिए इस समय ये फ़ोन मैंने चालू करके रख दिया है, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं इनका फ़ोन ऑन है। मुझे बताइए यहाँ पे जो ट्रिक बताया जा रहा है उसी ट्रिक से कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल जी, वही ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान ट्रिक है जैसे टेलीकॉम का, पूरा एक बार में ही समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम एक बार में ही समझ में आ जा रहा है। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद एशिया टेलीकॉम और धन्यवाद देव सर और धन्यवाद हमारे MD सर।
जी हमारे साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम आपका? मेरा नाम राशिद है। राशिद जी, आज आप दिन भर से क्या कर रहे हैं, क्या क्लास चल रही है? आज हमारी सीपीयू के दिन है, क्लास है। सीपीयू माउंट रिमाउंट की क्लास? हाँ जी। लाइव फोन से? हाँ जी। तो आपने किए हैं? किया है, देखो मैं चेक करा रहा हूँ। जी जी, कितनी बार किए हैं आज? आज मैंने तीन बार करा है, तीन बार में ओके किया है। तीन बार ही ओके किया है, देख सकते हैं इनका फोन ऑन है। मुझे बताइए कि वो यहाँ पे जो ट्रिक बताया जा रहा है एशिया टेलीकॉम के द्वारा, उसी ट्रिक से आप कर रहे हैं ना? उसी ट्रिक से कर रहे हैं, बिल्कुल डीपली हो रहा है। डीपली ट्रिक है, बिल्कुल डीपली ट्रिक। मुझे बताइए, यहाँ पे कोई फ्रेशर बंदा भी आता है तो क्या वो सीख पाएगा? क्या सीख पाएगा? बिल्कुल, हम भी फ्रेशर ही थे, हम भी सीख पाए हैं। आप भी फ्रेशर हैं? हाँ जी। और जो यहाँ का पढ़ाने का तरीका, समझाने का, वो कैसा है? बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कराते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू श्री टेलीकॉम। जी हमारे साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील शर्मा है। कहाँ से हैं आप? मैं नेपाल से हूँ। आज क्या क्लास हुई है? आज सीपीयू लगाने का क्लास था। सीपीयू माउंट रिमाउंटिंग का क्लास? हाँ, क्लास किए। हाँ सर, बढ़िया। कितनी बार किए? मैंने दो तीन बार किया। पूरा दिन भर से ही वही कर रहे हैं? हाँ वही कर रहे हैं। सीपीयू पावर सब आपने, एमएमसी सब निकाल सब निकाल के? मुझे बताइए, सीपीयू ईएमएमसी पावर आईसी सब निकाल के फिर लगाए हैं बोर्ड में? एशिया टेलीकॉम आने से पहले ये आईसी लेवल का काम, ये सब चीज किया गया? नहीं किए थे, कभी नहीं किए, कभी नहीं। और यहाँ पे आप इतने बढ़िया तरीके से कर पा रहे हैं? यहाँ का ट्रिक है ना, हाँ यहाँ का ट्रिक है ना, सब अब से जब से बेस्ट है। जी जी, सब बहुत बढ़िया। इधर एमडी सर ने बताया मेरे को, एमडी सर ने वो ऐसा रिवल करने का, ए करने का, हीट इतना रखने का, वो टेम्परेचर इतना। हाँ फोन भी चालू है, एक मेरा फोन देखिए, इधर मेरा फोन चालू नहीं है, ये देख सकते हैं इनका फोन ऑन है। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर, थैंक यू एमडी सर। जी तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम आपका? राजेंद्र पूरे। राजेंद्र पूरे जी, मुझे बताइए आज क्या क्लास कर रहे हैं? सीपीयू रिमाउंट माउंट रिमाउंटिंग का क्लास। मुझे बताइए, आपने आज दिन भर में कितने दो तीन बार आपने सक्सेस किया? सक्सेस भी हुआ, सक्सेस पूरा सक्सेस होगा। तो जो यहाँ पे ट्रिक बताए गए, पहले आपको करके बताया होगा? हाँ बरे। उसके बाद ही कर रहे हैं ना? हाँ बरे। ऐसा तो नहीं कि कल ही तुक्के में हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो जो यहाँ का बताने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका, वो कैसा है? बहुत अच्छा है। आपने फोन ऑन किए? हाँ दिखाइए तुरंत। ये देख सकते हैं इनका फोन ऑन है। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलो थैंक यू। जी तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी मुझे बताइए आज क्या क्लास चल रही है आपकी? आज सीपीयू की क्लास थी। सीपीयू माउंट रिमाउंटिंग की क्लास? जी माउंट रिमाउंट। जी हाँ, आज चालू सेट से सीपीयू निकाल के माउंट रिमाउंट किया गया है और सक्सेस भी हुआ है। सक्सेस भी हुआ है। जो आपने ये दिन भर में कितनी बार कर ली है? दिन भर में कम से कम तीन चार बार हुआ। चार बार हुआ जी। तो तीन चार बार आपने सक्सेस किए? जी हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे नहीं हुआ होगा, दूसरे टाइम पे हुआ ऐसा कुछ है ना। तो जो यहाँ पे आपको कराया जा रहा है, वो चीज पहले करके बताए होंगे आपको? जी हाँ, एमडी सर ने मुझे बताया, पूरा ट्रिक बताया, कैसे ट्रिक से उसी ट्रिक से किया और सक्सेस भी हुआ। जी तो ये आपने फोन चालू किए हैं? जी हाँ। दिखाइए आपका फोन चालू है कि नहीं। मांजो रिकॉर्डिंग एक बार में हो रही है? एक बार हो रही है। देख सकते हैं इनका फोन है। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। जी तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम है? जी सर मेरा नाम है राजू। राजू जी मुझे बताइए आज क्या क्लास चल रही है आपकी? आज हम लोग का सीपीयू का डे था। सीपीयू का डे? पूरा डे? जी पूरे दिन आपने सीपीयू माउंट रिमाउंटिंग किए? जी सर मैंने माउंट रिमाउंट किया। कितनी बार किए आपने? तीन बार किया आपने? जी तीनों बार सक्सेस हुआ? तीनों बार सक्सेस। अच्छा तीन बार सक्सेस हुआ। मुझे बताइए आपने इससे पहले एशिया टेलीकॉम आने से पहले कभी आईसी रिवॉल्विंग या तो आईसी माउंट रिमाउंटिंग का? नहीं सर कभी नहीं किया था। कभी नहीं किया? जो सर एमडी सर ने जो ट्रिक बताए वो ट्रिक में जो हम फॉलो करते गए, एक ही बार में जब डन। एक ही बार में जब? जी सर। तो जो यहाँ पे जो ट्रिक बताया गया वो कैसा है?
बहुत फर्स्ट क्लास है सर। फर्स्ट क्लास है जी। किसी कोई फ्रेशर बंदे को भी बता दिया जाए तो वो भी कर पाएंगे? जी सर, एक ही बार में कर देंगे वो भी। आपने किए हैं? जी सर। दिखाई कर फोन चालू ये देख सकते हैं, इनका फोन ऑन है। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू एसए टेलीकॉम जी। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद तस्कीन है, मैं जिला मुजफ्फरनगर से हूँ। मुझे बताइए आज क्या क्लास हुई है आपकी? आज हमारा सीपीयू क्लास थी। सीपीयू माउंट रिमाउंट की क्लास? जी सर। दिन भर से यही कर रहे हैं आप? जी सर, यही कर रहे हैं। तो कितनी बार कर लिया आपने? मैं तीसरी बार कर रहा हूँ। तीसरी बार कर रहे हैं? जी सर। डन हो रहा है? जी डन हो रहा है। तो सर ने आपको पहले करके बताया होंगे? जी सर ने पूरी नॉलेज दी, फिर हमने किया। फिर आपने किए? जी सर। उसी जो ट्रिक आपको सर ने बताया है उसी से आप कर रहे हैं? उसी ट्रिक से, उसी ट्रिक से चल रहा है, जब तो डन हो रहा है। आपने इसे टेलीकॉम आने से पहले कभी सीपीयू एमएमसी काम किया गया? नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किए? नहीं। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो नॉलेज मिल रहा है कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। देखो ये फोन भी चालू हुआ है, ये देख सकते हैं। देखो ये फोन चालू दिया है। मुझे बताइए यहाँ पे जो नॉलेज मिल रहा है वो कैसा है? बहुत ही जबरदस्त है। समझ में आता है सारा? सब समझ में आता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू एमडी सर, थैंक यू। अच्छा तो लिखो जी। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम आपका? मेरा नाम शेख शहजाद है। शहजाद जी मुझे बताइए क्या क्लास चल रही है आपकी? सीपीयू माउंट एंड रिमाउंट का चल रहा है। सीपीयू माउंट रिमाउंट का क्लास आज दिन भर से यही चल रहा है? दिन भर से यही चल रहा है। तो आपने किए हैं क्या? या मैंने तकरीबन 5 से 6 बार किया हुआ है। कल आपने पावर भी किया थी? पावर भी किया या। तो एसीए टेलीकॉम बोलता है तीसरे दिन पावर, चौथे दिन सीपीयू, तो ये आज पता चला आपको कि हाँ सच में भी ये भी होता है? ये बात हकीकत है कि तीसरे दिन पावर ऐसे ही, चौथे दिन सीपीयू कराते हैं। कराते क्या आपने इससे पहले, एसीए टेलीकॉम आने से पहले कभी सीपीयू एमएमसी आईसी लेवल का काम किए गया? मैंने सोल्डरिंग आयरन नहीं पकड़ा था, मैंने हॉट गन नहीं पकड़ा था, एसएमडी भी नहीं पकड़ा था। सीपीयू निकाल के टर्न कर दी और आज मैंने आईफोन से? या यस सर, दिखाइए आपको दिखाते। देख सकते हैं इनका फोन ऑन है। मुझे बताइए क्या आपको सर ने पहले करके बताया? हाँ, पहले सर ने सब कुछ डिटेल्स वाइज सब कुछ तरीके से हमको एक्सप्लेन किया, उसके बाद हमने एक किया ट्राई। तो जो यहाँ पे जो ट्रिक बताया जा रहा है एसीए टेलीकॉम का जो ट्रिक है वो कैसा है? एक्सेलेंट है, बढ़िया है, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाता है। एक्सेलेंट या। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम आपका? मेरा नाम आज़ाद है, मुजफ्फरनगर से हूँ सर। आज़ाद जी मुझे बताइए आज क्या क्लास चल रही है आपकी? दिन सर आज सीपीयू की क्लास चल रही है, सीपीयू रिवॉल्विंग, सीपीयू माउंट रिमाउंटिंग का। जी सर। लाइव फोन से? लाइव फोन से सर, एंड्रॉइड फोन से। अच्छे से आपने किए? जी सर किया है मैंने। दिखाइए आपका फोन कौन सा फोन से किए? सर मैंने फोन ये कितनी बार किया आज? मैंने फोन ये 3 बार किया है सर। 3 बार किए क्योंकि आप दिन भर से बस सीपीयू के काम कर रहा है। तो ऐसे बोलता है कि भाई तीसरे दिन पावर, चौथे दिन सीपीयू, देख सकते हैं इनका फोन ऑन है। तो जो यहाँ पे जो ट्रिक बताया गया उसी ट्रिक से किए ना? उसी ट्रिक से किया है, हमारे एमडी सर ने हमें जैसे ट्रिक बताई ऐसे ट्रिक से किया है, एक बार में सक्सेसफुल हुआ। जी सर। आपने 2 से 3-4 बार कर लिए होंगे? तीन दिन से यही क्लास चल रहा है। 3 बार किया है मैंने। जी जी जी। ये और पावर आईसी की है एक बार। जी तो जो यहाँ पे नॉलेज दिया जा रहा है वो कैसा है? बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी, बढ़िया तरीके से ऐसा वसूल है एकदम। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर टेलीकॉम जी। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जियाउल है। मोहम्मद जियाउल जी मुझे बताइए क्या क्लास चल रही है आज? हमारे सीपीयू क्लास चल रही थी। सीपीयू माउंट रिमाउंट की क्लास? हाँ सीपीयू माउंट रिमाउंट की। किए हैं आपने? यस मैंने किया है। कितनी बार कर लिए? 3 बार कर लिया मैंने। 3 बार कर लिए? यस। और सक्सेसफुल रहा 3 बार। कैसे सक्सेस हुआ वो? हमारे एमडी सर ने जो तरीका बताया था उसी तरीके से हमने किया। यहाँ का तरीका है, टेक्निक है, उस टेक्निक से आपने किए? यस। सक्सेस हो रहा है? बिल्कुल सक्सेसफुल हो रहा। मुझे बताइए क्या आपने यहाँ एसी टेलीकॉम आने से पहले कभी आईसी लेवल का काम या नहीं? नहीं ये सब नहीं कभी नहीं किया। कभी नहीं किए आपने? कभी नहीं किए और एसी टेलीकॉम आने के बाद चौथे दिन में ही आप सीपीयू कर रहे हैं? यस ये सब यहाँ एसी टेलीकॉम का मतलब कमाल है। कल आपने पावर भी किए थे? हाँ मैंने कल पावर भी किया था जी। ये सब पूरा एसी टेलीकॉम हुआ था? हाँ डन हो गया था वो भी। और ये सब पूरा एसी टेलीकॉम में ही हो सकता है। जी 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 दिखाइए। तो ये देख सकते हैं इनका
फोन ऑन हो गया जी। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए, आप अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि चौथे दिन में सीपीयू नहीं पाते आप? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ तो दूसरे इंस्टीट्यूट में लगता है मुझे कि मतलब चौथे दिन में तो बस खाली थ्योरी पढ़ाते रहते हैं और जंपर मारना भी नहीं आता हमें। जी जी जी, ऐसा लगता है। अभी मैं आपको सीपीयू कंपटीशन में बिठा दूँ तो आप कर पाएंगे? यस, मैं कर पाऊंगा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। यस, चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू एसआई टेलीकॉम, थैंक यू देव सर, थैंक यू एमडी सर। जी तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय श्रीपत चंद्रमौनी है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। विजय जी मुझे बताइए आज क्या क्लास चल रही है आपकी? आज की सीपीयू की क्लास चल रही थी, सीपीयू माउंट रिमाउंट का क्लास। यस सर। आप कर पा रहे हैं? हाँ कर पा रहा हूँ सर। सर ने आपको पहले करके बताए होंगे? हाँ सर ने पहले हमको करके बताया, बाद में उसकी ट्रिक समझाई, उसी ट्रिक से दो बार मैंने सीपीयू डन किया। दो बार किया आपने? हाँ, क्योंकि आप दिन भर से यही चीज कर रहे हैं? दिन भर से यही चीज करते रहो, अभी रात के 9 बजे रहे। जी जी जी। हाँ, अभी वही का क्लच चल रही है। कल आपने पावर भी किए थे? हाँ, वो भी डन हुआ था? वो भी डन हुआ था। तो जो यहाँ पे जो ट्रिक दिया जा रहा है, जो नॉलेज दिया जा रहा है, वो कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। पूरा तरीके से समझ में आ जाता है? पूरा तरीके से समझ में आ जाता है। तो आपने कौन से फोन से किए? दिखाइए। EMI से किए है। जी जी जी, दिखाइए, देखते हैं इनका फ़ोन ऑन है कि नहीं। ये देख सकते हैं इनका फ़ोन ऑन है। तो मुझे ये बताइए कि अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में होते, अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर जाते तो आपको क्या लगता है कि आप चौथे दिन में सीपीयू कर पाते? नहीं। तीसरे दिन में पावर कर पाते? नहीं नहीं नहीं, इतना सब चीज़ तीसरे चौथे दिन में? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं कर पाते? लगता है आपको? हाँ मेरे को लगता है। तो जो यहाँ पे जो नॉलेज दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो सारा चीज दिमाग में घुसता है? पूरा दिमाग में घुसता है। अभी आपके पूरे डे बाकी हैं, है ना, 25 दिन बाकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या लेके जाने वाले हैं? मैं तो यहाँ से बहुत अच्छा से नॉलेज सीख के जाऊंगा और सीपीयू मास्टर बन के दिखाऊंगा। जी जी, क्योंकि कल से आपकी लाइनों का नॉलेज चालू हो जाएगा, सर्किट पढ़ना आपको बताया जाएगा, है ना। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर, थैंक यू EMD सर। जी तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट, क्या नाम आपका? मेरा नाम है अतिंद्र मंडल और मैं हूँ वेस्ट बंगाल से। अतिंद्र मंडल जी, मुझे बताइए आज क्या क्लास चल रही है? आज मेरे सीपीयू की माउंट रिमाउंट की क्लास थी। सीपीयू माउंट रिमाउंट की क्लास? हाँ। आप कर पा रहे हैं? हाँ पा रहा हूँ। तो सर ने आपको पहले करके बताया होंगे? हाँ सर, पहले करके बताया, ट्रिक भी बताया हुआ है, उसके बाद में करके बता रहा हूँ। ऐसा तो नहीं तुक्के में लग? नहीं नहीं, नहीं तीन तीन चार बार किया है मैंने। जिस ट्रिक, जो ट्रिक आपको बताए उसी ट्रिक से आप? हाँ सर ने जो ट्रिक बताया उस ट्रिक से मैं कर रहा हूँ। डन भी हुआ? डन भी हुआ। देखो, देखते हैं इनका फ़ोन ऑन है कि नहीं। ये देख सकते हैं इनका फ़ोन ऑन है। तो मुझे बताइए क्या आप एशिया टेलीकॉम आने से पहले आईसी लेवल का काम या सीपीयू वगैरह ये सब चीज़ किए थे? नहीं नहीं, मैं एशिया टेलीकॉम आने के बाद ही आईसी लेवल का काम कर रहा हूँ। आगे इसके अगर मैं नहीं कह रहा, आईसी का कभी नहीं किया? कभी नहीं किए थे। तो जो एशिया टेलीकॉम में नॉलेज दिया जा रहा है वो कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है? अच्छा है। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? हेलो सर, मेरा नाम नरोत्तम है, मैं भूटान से हूँ। नरोत्तम जी मुझे बताइए आज क्या क्लास चल रही है आपकी? आज हमारा सीपीयू का माउंट रिमाउंट का क्लास था। सीपीयू माउंट रिमाउंट का क्लास? हाँ जी सर। आप कर पा रहे हैं? मैंने किया ना सर, मैंने मेरा वाला फ़ोन ऑलरेडी बना के ये ऑन है, जैसे इसको देखिएगा ये ऑन होगा, ऑन हो रहा है, और ये दूसरा एक बोर्ड था तो उसको भी मैं अभी निकाल के रिवॉल्व कर रहा हूँ, तो ये रिवॉल्व भी हो चुका है। जी जी। तो मतलब आप आज की बताऊँ कि भाई आज तो दिन भर ही चला है सीपीयू का क्लास? हाँ जी सर। तो दिन भर में आपने कितनी बार कर ली ये? इसको एक बार और इसको तीन बार, फोर्थ चार चौथी बार कर चुका हूँ। तो सर ने आपको पहले करके बताए होंगे? हाँ जी हाँ जी सर, सर ने कैसे उसको, सर ने एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिकल अपने तरफ से बहुत बेहतरीन करके दिखाया है, रखना है। हाँ, एयर हीट क्या कितना रखना है सब दिखाया है, नोज कट पॉइंट कहाँ होना चाहिए कितना क्या है, और उसको देख के समझ के हम यहाँ पे कर किए हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आप मुझे ये बताइए एशिया टेलीकॉम आने से पहले आपने कभी आईसी लेवल का काम किए थे? मैंने वैसे
एक्सटेंसिव आईसी निकालना लगाना वैसा नहीं किया था, मैं खुद मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करता था, लेकिन मतलब मैं प्रोफेशनली मैं काम नहीं कर पाता था। तो मुझे बताइए जो यहाँ पे नॉलेज दिया जा रहा है वो कैसा है? यहाँ पे एकदम हाई लेवल डीप नॉलेज मिल रहा है, जो अभी क्या है कि है तो आज चौथा दिन है, लेकिन अभी क्या है कि मेरा जब मैं पिछली बार आया था तो मेरा एक इंसिडेंट हुआ तो मैं वापस गया, और आज जो चौथे दिन पे मैं फर्स्ट डे एज ज्वाइन हुआ हूँ, तो मेरा पिछले का तीन दिन और आज का चौथा दिन मान ले बहुत बढ़िया नॉलेज मिल रहा है। बढ़िया नॉलेज मिल रहा है। हाँ जी सर, चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे साथ है 28 अक्टूबर की बैच। यस सर। कौन कौन लाइव है? हाँ मैं सर। भाई आज तो दिवाली है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सीपीयू चला रहे सर। भाई दूसरे लोग तो छुट्टी करके बैठे पटाखे बोल रहे हैं। यस सर। और हम क्या कर रहे हैं? सीपीयू बैठा रहे हैं। सीपीयू करा हमने सर। देखिए यस सर। एक बार खाली कि दो बार तीन बार चार बार? चार बार। अभी हेड स्किल का क्या लेवल है? तो काम नाम जो है काम से होता, अगर किसी इंसान के अंदर क्वालिटी है तो उसका नाम ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, उसका नाम होगा। अगर किसी इंसान के अंदर टैलेंट है, नाम माँ बाप रखते हैं लेकिन कमाना पड़ता है नाम, वो एशिया टेलीकॉम ने नाम कमाया। इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में वीडियो जाती है और लोग देखते हैं।